राजस्थान के रण में जीत किसकी होगी, इसका जवाब अब महज कुछ ही महीनों दूर है। मगर इससे पहले सवाल यह है कि क्या इस बार भी पिछले 20 सालों से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परिपाटी बरकरार रहेगी, या फिर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस इस रिवाज को बदलने में कामयाब रहेगा। वैसे बता दें कि इन तमाम सवालों के बीच अब चुनावी गलियारे की सरगर्मियां तीसरे मोर्चे की भी इबारत लिख चुकी है। दरअसल इस साल की शुरुआत में RLP के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का एक हंगामेदार बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्ष दल भाजपा पर हमलावर होते हुए पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को साथ आने का ऑफर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको अब आ जाना चाहिए, समय आ गया, अब जनवरी जारी है और अप्रैल तक अभी चिंतन शिविर के नाम से अप्रैल तक बढ़ाते रहेंगे। आसानी से 100 किलो छोड़ने वाले थोड़ी है, जब उनको पता है आचार संहिता के बाद अगर कोई CM भी बना लेगा तो क्या किस में चलाएंगे बताओ, तो चुनाव आयोग की चलती है आचार संहिता के साथ। समय पे उनको छोड़ के कोई नया झंडा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि अंतिम बलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, आ जाना चाहिए सबको। अगर ये दोनों आ जाते हैं और RLP हो जाती है तो फिर 140 सीट राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी वोट पीछे थी। सचिन पायलट को इन्वाइट कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो तो कर ही देगा पहले। अरे भाई, सचिन पायलट को CM बनाने के लिए मैंने 3 विधायकों का समर्थन दिया था 2018 के अंदर, वो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो तीनों विधायक सरकार गिराने में सबसे आगे थे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान से साफ जाहिर है कि अब राजस्थान की राजनीति में कुर्सी की दौड़ सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि तीसरा मोर्चा भी तैयार है। वहीं RLP के अलावा भी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और AIMIM जैसे चुनावी दल भी 20 साल पुराने इस सिलसिले को तोड़ने की हुंकार भर चुके हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ऐसे में सियासी गलियारे में मची तीसरे मोर्चे की धूम ने एक तरह से भाजपा और कांग्रेस को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया है, क्योंकि इस बार के चुनावी मैदान में इन दोनों मुख्य दलों के सामने कई क्षेत्रीय पार्टी भी मुंह तोड़ जवाब देने के इंतजार में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।